नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरगोन जिले के ग्राम घुगरिया खेड़ी जिला सहकारी बैंक शाखा में हुई चोरी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि चौकीदार ही निकला। हालांकि पुलिस ने पहले ही चौकीदार पर शक जाहिर किया, जो सही साबित हुआ। शनिवार को खुद चौकीदार ने चुराई हुई रकम के साथ सरेंडर किया। गोगावा पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार बैंक का सुरक्षा गार्ड अंतिम पाटीदार 31 अक्टूबर की दरमियानी रात बैंक से 21 लाख रूपये चुरा कर भागा था। पिछले 6 दिन से पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। शनिवार सुबह पाटीदार खुद थाने पहुंचा और एक बोरी में चोरी की रकम ले गया। पुलिस अब इस अपराध को कैसे अंजाम दिया और कौन शामिल था इसकी जांच में जुटी है। चोरी क्यों कर ली थी, क्या होगा था? खुद को भी नहीं पता। अच्छा, कोई ने बोला था क्या? नहीं। फिर कैसे दिमाग में आ गया? मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था। नशे में थे क्या? तो ड्रिंक करी थी क्या? हाँ, थोड़ी। आओ को गोगामा थाने में रिपोर्ट हुई थी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें चोरी हुई है, और रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख के लगभग कैश की चोरी हुई थी। क्योंकि एक संवेदनशील घटना थी, इसमें लगातार टीमें लगाई गई। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एविडेंस आया था उसमें जो बैंक का गार्ड है अंतिम पाटीदार, उसकी इस घटना में संलिप्तता की जानकारी मिली थी। अंतिम पाटीदार को लगातार हमारी टीमें चेज कर रही थी। इसकी सूचना ये भी मिली थी कि मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में है, तो दोनों जिले के पुलिस अधीक्षकों से भी हमारी बात हुई थी। उनकी टीमें भी इसमें लगातार इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही थी। परसों हमारी टीम ने आगरा रेड की थी, तो आगरा में पता लगा कि वहाँ से निकल गया है। तो कुल मिला के टीमें लगातार परस्यूट कर रही थी। तो आज परिजनों के संपर्क में आया है, परिजनों ने इसको ले जाके संबंधित थाने में इसको प्रोड्यूस किया है। इसकी कस्टडी से जो चोरी का कैश था 21 लाख 26,999 पूरा का पूरा कैश बरामद हो गया है। अब इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट में रिमांड लेके कई एंगल्स पर जाँच होगी, जैसे कि इसमें कोई औरतों को शामिल नहीं था, किसी और किसी की भूमिका तो नहीं है, और किस उद्देश्य से किस प्रकार इसने घटना घटित की है, और इसने बाकी 3 दिन ये कहाँ कहाँ रुका है, पूरा मूवमेंट क्या था, ये सारे एंगल्स पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। घटना में जो पूरा कैश था बरामद हो गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में बैंकिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उसकी भी कई लैप्सेस सामने आए हैं। इसकी जानकारी हमने बैंक के जो प्रशासक हैं उनको भी दी है, और उनसे अपेक्षा की है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करें कि कैश हैंडलिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनका लैप्स होने से ही इस प्रकार की घटनाएं कई बार होती हैं। तो उनके स्तर से भी जांच की जा रही है, उसमें यदि बैंकिंग सेक्टर का बैंक का कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।